में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से है, तो लगातार आप तक ये बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, डॉक्टर निकला करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड। तो ये बड़ी खबर, डॉक्टर ने गैंगस्टर के साथ मिलकर ये साजिश रची थी और ऐसे में इसका खुलासा हो चुका है। डॉक्टर सचिंदर जैन समेत दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 करोड़ 90 लाख की यहाँ पर बरामदगी की गई है। एसटीएफ को 20 करोड़ से ज्यादा चोरी की आशंका है। तो लगातार अब इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर निकला करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड और ऐसे में डॉक्टर ने गैंगस्टर के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था, जिसका खुलासा हो चुका है। डॉक्टर सचिंदर जैन समेत दो आरोपी को पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 करोड़ 90 लाख की बरामदगी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, डॉक्टर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसका खुलासा भी हो चुका है, पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तारी की है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, अगर बात करें गुरुग्राम के अंदर, हालांकि मामला काफी सुर्खियों में रहा था कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो करोड़ों का चोरी का ये मामला था, अगस्त के महीने में ये मामला था। कहीं ना कहीं इस मामले पर शुरू से ही प्रश्न उठ रहे थे कि शुरुआत में केवल एक छोटी सी लाइनों पर ही एफआईआर दर्ज की गई थी और ये मामला पहले 1.5 लाख फिर 50 लाख तक का किया गया, लेकिन अब इस मामले पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठे तो आखिरकार सरकार ने ये मामला एसटीएफ को दिया था और एसटीएफ की जांच में ये सामने आया कि ये मामला करीबन 20 करोड़ से ज्यादा की बड़ी चोरी का। और इस मामले पे जहां पहले जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, भाई अगर इस मामले में आप बात की जाए तो दो गुरुग्राम के जाने माने जो डॉक्टर हैं उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है, जिनमें एक जो अगर बात करें गुरुग्राम के सनराइज अस्पताल के मालिक हैं, खुद एमबीबीएस डॉक्टर है डॉक्टर सचिंदर जैन, जिनके गुरुग्राम के अंदर दो बड़े अस्पताल जिनके गुरुग्राम के अंदर है, उनकी गिरफ्तारी इस मामले पे हुई। और इस मामले में एसटीएफ ने स्पेशल टास्क फोर्स ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए 3 करोड़ 90 लाख रुपए की जो रकम जो है वो बरामद भी करी है। यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर से तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, संदिग्ध मामला है कि एक बड़े अस्पताल के मालिक ने गुरुग्राम में किस तरीके से 20 करोड़ से ज्यादा की चोरी जो है वो यहाँ पर करवाई थी और मास्टरमाइंड जो है इसको माना जा रहा था। एसटीएफ का भी कहना है कि इस पूरे मामले पर जो है डॉक्टर सचिंदर जैन जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, इसके अलावा एक और डॉक्टर जेपी, दो ऐसे डॉक्टर है जो की मास्टरमाइंड, तो एक बड़े गैंगस्टर की इसके अंदर मदद ली गई थी विकास लखनपुरिया की, इसके साथ साथ एक दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में शामिल था जो कि इस चोरी की वारदात में, करोड़ों की ये चोरी है जो कि की गई है। हालांकि इसमें कई प्रश्न उठे हैं कि ये पैसा किस तरीके का था, क्योंकि शुरू से इस रकम को भी छुपाया जा रहा था कि आखिर कितना पैसा है, कहां से ये आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एसटीएफ ने इस मामले पर जो है ईडी को, परिवर्तन निदेशालय को और आयकर विभाग को भी लिखा है इस पूरे मामले को लेकर के कि आखिर इसकी पूरी जांच की जाए। हालांकि इस मामले में दोनों डॉक्टर जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, इससे पहले एक पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया था, इसके अंदर कुछ चोर भी, और एक मुख्य जो गैंगस्टर है उसको भी गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो उठा इस डॉक्टर के ऊपर जो सचिंदर जैन है, इनकी गिरफ्तारी अगर बात की जाए तो की गई है एसटीएफ के द्वारा, स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल दीपक, लगातार अब एसटीएफ की टीम भी लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और ऐसे में पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।